जनपद प्रयागराज में थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौराहे पर मास्क चेकिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा दी गई। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में हो चाहे ड्यूटी पर चल रहे हो, पूरी तरह से उस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको उपचार के लिए भेजा जा रहा है और उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। जो भी कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं उनका हर स्तर पर पालन कराया जा रहा है। सारे पुलिस स्टेशन में और सारे पुलिस ऑफिसर में कोविड के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पर ऑक्सीमीटर है, उनका थर्मामीटर है, उनका जो चेक किया जा रहा है कि उनके टेम्परेचर कितने हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, वहाँ पर मास्क भी सबको दिए जा रहे हैं, ग्लव्स भी सबको दिए जा रहे हैं। पुलिस में कोविड का संक्रमण न हो या कम से कम हो, इस बात को देखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो दिल्ली और बाहर मद्रासों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था करी गई, क्या भीड़ बढ़ती जा रही है? सबके लिए प्रशासन की तरफ से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं, सबकी चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के अनुरूप उसका जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसको हॉस्पिटल में लोग भेज रहे हैं और अगर कोई सही पाया जा रहा है तो उन्हें घर जा रहा है। इतनी सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से? अगर जो लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, सबके ऊपर। कल हम लोगों ने 700 केसेज रजिस्टर किए हैं, महामारी के अंदर भी केसेज रजिस्टर किए हैं। हम लोग सबसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न करें, अनावश्यक रूप से कोई घर से बाहर न निकले, बहुत ही ज़रूरी परिस्थिति में लोग घर से बाहर निकलें और अपना काम करके तुरंत अंदर जाएँ। थैंक यू।